नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश में निर्भया को अब तक इंसाफ ना मिल सका, लेकिन देश के अलग अलग जगहों पर रेप की घटनाएं हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जनपद गाजीपुर से है। गाजीपुर में एक नाबालिग के साथ रेप हुआ और रेप के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने लापरवाही बरती, लेकिन तारीफ करनी होगी गाजीपुर पुलिस अधीक्षक की। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर काशमाबाग थाने के SHO, एक SI और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों काशमाबाग क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में लापरवाही बरतने और मुकम्मल कार्रवाई न करने पर SP OP सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है। SP ने काशमाबाग थाने के SHO, SI और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। SP की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करके दुराचार का कार्रवाई करने जाने विषय एक मामला था, जिसमें इन्होंने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं किया और समस्त तथ्यों के संज्ञान में होने के बावजूद अपराध का अल्पीकरण किया। इस संदर्भ में मेरे द्वारा जांच कराई गई और जांच पाने के द्वारा जो लोग दोषी पाए गए प्रथम दृष्टया, क्योंकि एक गंभीर मामला था, इसलिए इनके विरुद्ध इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।